हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं माइक मैकविटी द मिस्ट्री कैट, टी एस एलॉट के द्वारा जो लिखा गया है ना। तो फटाफट से देखते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था द शोल्डर, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका। और ये बहुत ही आसान, बिल्कुल शॉर्ट समरी, बिल्कुल ईजी समरी बताने वाला है। यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल ईजी समरी दिया है दोस्तों, है ना, बिल्कुल है हमारा ईजी समरी, ठीक है, बिल्कुल ईजी समरी है, बिल्कुल शॉर्ट समरी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आप बिहार बोर्ड में टॉप करना चाहेंगे। अगर आपको पूरा पूरा नंबर चाहिए तो आपको भी मैकविटी द मिस्ट्री कैट देखना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है दोस्तों, VBI क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फटाफट से मैकविटी द मिस्ट्री कैट। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मैकविटी द मिस्ट्री कैट में किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये तो लिखना ही है समरी में, तो समरी में सबसे पहले आपको लिखना है किसने लिखा है। तो कहोगे कि समरी में जिसने लिखा है उसका नाम लिखना है, उसके बाद इस बॉर्न कब हुआ था 1888, मृत्यु कब हुई थी 1965। ये लिखने के बाद ही आपको क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। देख सकते हैं इतना बड़ा समरी है, इतना बड़ा आपको क्वेश्चन है, इतना बड़ा आप कर ही नहीं सकते कवर इसको। तो आपको मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल हल्के में आप समझ जाओगे बिना बुक पढ़े। शुरू करते हैं मैकविटी द मिस्ट्री कैट, मैकविटी द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री कैट, ठीक है। दिस पोयम इज कंपोज बाय JS Elliot। यह पोयम JS Elliot के द्वारा लिखा गया है। द कैट इज वेरी गुड फॉर हिम, उनके लिए कैट बहुत ही अच्छा था, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। चिंता मत की लिखिए मत, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देखकर लिख सकते हैं, चिंता मत कीजिएगा। चलिए, एज इम्प्रेशन ऑफ मैकविटी इज वेरी फाइन, उसका जो इम्प्रेशन था बहुत ही फाइन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं, अच्छे से देख लिए यहाँ पर कि उसका जो इम्प्रेशन था ना वो मैकविटी बहुत ही अच्छा था, उसका इम्प्रेशन मैकविटी पर। नेक्स्ट देखते हैं, ही कॉल्स इट माई मिस्ट्रीज, वो उसे माई मिस्ट्रियस बुलाता था, मिस्ट्रियस, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिवनेस था, जो वो बिल्ली था ना वो बहुत ही एक्टिवनेस था, ठीक है, यहाँ तक देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलिए, इट्स पावर, इसका क्या था, जो इसका पावर था दोस्तों, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि एक्टिवनेस था, इट्स पावर टू लिविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर एंड व्हेन ही रीच्ड एट द स्क्रीन, मतलब वो जब चोरी करने जाता था एक फकीर की तरह जाता था चोरी करने के लिए, है ना, फकीर की तरह जाता था चोरी करने के लिए, ठीक है, इतना समझ गए ना, फकीर की तरह जाता था वो चोरी करने के लिए, आप समझते हैं। लेकिन जब वहाँ पर जब पुलिस जाती थी, समझिएगा ध्यान से, जब वहाँ पुलिस जाती थी तब व्हेन ही रीच द स्क्रीन, उस स्क्रीन पर जाती थी पुलिस ऑफ क्राइम, मैकविटी इज नॉट प्रेजेंट, तो वहाँ पर मैकविटी होता ही नहीं था, एक भूत की तरह लगता था, भूत है मैकविटी या क्या है, आखिर उसमें क्या, आखिर उसमें कोई जादू है क्या मैकविटी में, तो इस तरह से हाल होता था। जब भी कोई काम होता था, कहीं भी कांड होता था, तो समझ जाती थी पुलिस की मैकविटी ही होगा, है ना, और मैकविटी वहाँ पर प्रेजेंट होता ही नहीं था, चोरी करके भाग जाता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेट्स वाई द पोएट कॉल इट्स माइस्ट्रियस, इसीलिए पोएट उसको क्या बोलाता था, याद रखिए, MCQ में पूछ सकता है इसको, MCQ में पूछ सकता है कि पोएट इसको क्या बोलाता था, पोएट उसको माइस्ट्रियस मतलब होता है रहस्यमय बताता था, पोएट उसको रहस्यमय पुकारता था, रहस्यमय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इट शोज डैट मैकविटी इज ए वेरी मिस्ट्री कैट, उसे लगता था कि जो मैकविटी है ना बहुत ही रहस्यमयी बिल्ली है, उसे क्या लगता था कि जो मैकविटी है वो बहुत ही रहस्यमयी बिल्ली है। नेक्स्ट कहता है कि ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, उसे हिडन पॉ भी बुलाता था, ये सब आ सकता है MCQ में कि वो उसे हिडन पॉ मतलब होता है, हिडन मतलब छिपा हुआ, पॉ मतलब होता है पंजा, ठीक है, पॉ मतलब होता है पंजा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताता है, ही इज़ द प्रॉब्लम ऑफ लंदन पुलिस, लेकिन पोएट को तो मज़ा था, लेकिन जो लंदन पुलिस था उसका समस्या था ये मैकविटी, क्योंकि वो चोरी करके भाग जाता था, पता भी नहीं चलता था, और इसे हिडन पॉवी था वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पोएट कंपेयर हिम विथ नेपोलियन,
जो पोएट थे वो उसको कंपेयर करता था नेपोलियन की तरह। दिस कैट इज कैट लाइक द नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन को ऑफ क्राइम का कैट कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़िए। और दोस्तों एक बार बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑन रखने के लिए, आने के लिए। ठीक है ना, तो फटाफट से बेल आइकन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा ऐसे ही समरी आएगा उसके बाद और बहुत से ग्रामर भी आएंगे ताकि आपको दिक्कत ना होगी। तो फटाफट से बेल आइकन आराम से क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट की ओर। अब दोस्तों आते हैं मैकविटी, ये क्लियर क्लेवर कैट। मैकविटी एक चलाक कैट था। ही ऑलवेज कमिट्स क्राइम बट नेवर बी देयर आफ्टर क्राइम। वह हमेशा क्राइम करता था, हमेशा इल्ज़ाम लगता था लेकिन वहाँ पर होता नहीं था। नेवर बी देयर आफ्टर क्राइम, क्राइम के बाद होता ही नहीं था वहाँ पर। इट चीट्स एट कार्ड एंड फुट प्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस। जो क्राइम करता था, जो चीट करता था, लेकिन जो उसका फुट का प्रिंट था वो भी दिखाई नहीं देता था और ना तो स्कॉटलैंड पुलिस के फाइल में दिखाई देता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द पोएट से डैट अदर कैट लाइक मोंगो जेरी एंड ग्रीडेम्बम, ये बिल्ली की प्रजातियाँ हैं ग्रीब एंड ये सब, आर नॉट लाइक मैकविटी। मैकविटी की तरह नहीं है क्योंकि मैकविटी गायब हो जाता था, चोरी करता था, है ना, और पता भी नहीं चलता था किसको, लेकिन ये मोंगो जेरी और ग्रीडेन जो बता रहे हैं उसकी तरह नहीं है। ठीक है, अब लाइक आगे बढ़ते हैं। द लिस्ट ऑफ क्राइम कमिटी बाई मैकविटी आर लूटेड ज्वेलर, जो लिस्ट बना हुआ था, लिस्ट में बताया गया, पुलिस ने बताया लिस्ट में कि जो मैकविटी है वो क्या क्या चोरी करता था। द लिस्ट ऑफ क्राइम कमिटी बाई मैकविटी आर लूटेड ज्वेलर्स, कैश, मिल्क, स्क्रैप ऑफ पेपर, पेपर का टुकड़ा, ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, लार्डर लूटेड, मतलब जो भंडारा होता उसमें भी लूट लेता था कुछ कुछ। इट डज ए लूट, क्या है, इट डज ए लूट ऑफ थिंग्स, वो एक लूटर था सामान का। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को करना दीजिएगा सब्सक्राइब बिना किसी देरी के। ठीक है, तो चलते हैं, अब देखते हैं। हम लोगों ने आज पूरा देख लिया मिस्ट्री द कैट, मैकविटी द मिस्ट्री कैट का बिल्कुल ईजी समरी, बिल्कुल ईजी समरी देखा है। आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसको कॉपी कर सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको कॉपी कर लीजिए। मैकविटी द मिस्ट्री कैट बिल्कुल यही सेम लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी करके किताब में लिख सकते हैं, कॉपी भी लिख सकते हैं और इसको रट लीजिए। यही आने वाला है एग्ज़ाम में, 2023 के एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।